क्या आप मोटापे से परेशान हैं? अब आप कर सकते हो 1 महीने में पूरे 10 किलो कम बिना किसी मेहनत के, बिना किसी टेंशन के। पता है कैसे? अभी बताता हूं। इस मोना बेल्ट के जरिए, इस मोना बेल्ट को आपको आपके कमर पर बांध लेना है कसकर, और आपको बैठ जाना है सोफे पर और आपको देखना है टीवी, और 1 महीने में आप 10 किलो कम कर सकते हो। और ये जो बेल्ट है ये होता है वाइब्रेट, डगा 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 ऐसे। अगर आपको ये मोना बेल्ट खरीदना है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो लिंक यूज कीजिए और आपको मिल जाएंगे 15% डिस्काउंट पहले ऑर्डर पर। तो जाइए और खरीद लीजिए ये मोना बेल्ट। Hi everyone, my name is Gleshan Alva and in this video I will be sharing with you 5 tips which will help you to lose fat and weight. Now this video is focused towards all the working professionals and also towards people who are studying abroad and their main focus is to be fit in their day-to-day activities. अब मुझे पता है, even I work and I do not get time to cook my food. कभी कभी cooking करने का time नहीं मिलता है and कभी कभी gym जाने का भी time नहीं मिलता है मुझे. So this video is focused towards all these people working and also people who are studying. अब ये video is not for people who are looking to get complete six pack shredded abs. उनके लिए नहीं है ये. अगर आप वो कोई बंदा ये video देख रहा है तो ये disclaimer सुन लीजिए, ये video is not for you guys, but जो काम कर रहे हैं and those who are studying abroad and those who want to look fit, कपड़े में अच्छे दिखने चाहिए, थोड़ा पतला दिखना चाहिए, उनके लिए ये वीडियो है। तो बिफोर मेकिंग दिस वीडियो आई हैव ऑल्सो मेड अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड अदर मेथड्स ऑफ वेट लॉस। और अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया है अभी तक, आप जाकर चेक कर सकते हो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद। मेक श्योर यू चेक दोज वीडियोज आउट। एंड लास्ट पॉइंट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपने चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए यार, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पर, कंप्लीटली फ्री है। नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है, उस पर तोड़ दीजिए वो बटन को, उस बटन को क्लिक कीजिए, उसके बाजू में एक बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं। तो अभी बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों आई होप यू ऑल मस्ट हैव सीन सच काइंड ऑफ एड्स। ऐसे एड्स तो आपने देखे होंगे, जब मैं पढ़ाई करता था रात को बैठ के तो ऐसे एड्स आते ही थे, नापतोल पर आते थे, जहां पर ऐसे फिट लोग आते थे और बोलते थे ये लीजिए, ये बेल्ट लीजिए और आपका फैट कम हो जाएगा। तो ये सब बकवास है, इन सब चीज़ों पे भरोसा मत कीजिए। एंड तो अभी चलेंगे हम वीडियो के अंदर, वेयर आई विल बी शेयरिंग विद यू 5 टिप्स दैट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर वेट एंड फैट। तो चलिए ना, चलते हैं वीडियो में। तो चलिए चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। एंड टिप नंबर 1 है, इंक्लूड HIIT वर्कआउट्स इन योर डे टू डे रूटीन। अब HIIT वर्कआउट्स क्या होते हैं? HIIT इज हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तो इसमें क्या होता है, 5 to 10 minutes ऑफ ड्यूरेशन में यू स्वेट अ लॉट एंड यू विल बी बर्निंग अ लॉट ऑफ कैलोरीज कंपेयर टू जस्ट वॉकिंग। तो ये वॉकिंग से काफी बेहतर है एंड लाइक कम टाइम में यू वुड बी बर्निंग अ लॉट ऑफ कैलोरीज। नाउ विच कौन से चीज आप HIIT के में इंक्लूड कर सकते हो? फर्स्ट इज स्किपिंग। स्किपिंग बहुत अच्छा होता है वेन यू आर लुकिंग टूवर्ड्स लूजिंग फैट और लूजिंग वेट। तो स्किपिंग इज वन ऑफ द ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, यू कैन फॉलो एनी ऑफ योर स्पोर्ट दैट यू लाइक, विच इंक्लूड्स स्विमिंग, प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग क्रिकेट, कोई भी स्पोर्ट जो आपको पसंद है, साइकिलिंग, तो ये स्पोर्ट आप कर सकते हो, विच विल हेल्प यू टू बर्न फैट एंड ये काफी अच्छा होता है। सो ये आप इंक्लूड कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, अगर आप स्किपिंग कर सकते हो तो ये भी बहुत अच्छा है, बिकॉज स्किपिंग से बहुत फैट बर्न होता है। आई वुड सजेस्ट डू HIIT, मतलब ये 5 to 10 minute के ड्यूरेशन का होता है एंड इट इज फार बेटर कंपेयर टू जस्ट वॉकिंग ऑन द ट्रेडमिल। ट्रेडमिल में मैंने देखा है, मैं जिम जाता हूं, लोग 15 से 20-25 मिनट तक ट्रेडमिल पे ही पड़े रहते हैं। सुबह मैं जिम जाता हूं, वहां पर लोग ट्रेडमिल पे चल रहे होते हैं। बट आई वुड सजेस्ट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, डू HIIT, स्किपिंग करो, थोड़ा पुशअप्स मारो, 10 मिनट्स का टाइमर रखो एंड डू HIIT ट्रेनिंग। सो दिस वॉज पॉइंट नंबर 1। तो अभी चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। लेट्स मूव ऑन टू टिप नंबर 2। एंड टिप नंबर 2 इज अ वेरी सिंपल टिप एंड मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल फॉलो दिस टिप। एंड दिस टिप इज वर्किंग आउट इन द मॉर्निंग।
अभी व्हेन यू वर्कआउट इन द मॉर्निंग योर बॉडी इज एम्प्टी, आपके बॉडी में कुछ फूड नहीं होता है, एंड दिस इज द आइडियल टाइम व्हेन योर बॉडी स्टार्ट्स यूजिंग फैट और कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी, जो आपके बॉडी में स्टोर्ड होता है. सो इफ यू कैन टाइम योर वर्कआउट्स बिफोर गोइंग टू वर्क, दैट वुड बी द बेस्ट टाइम फॉर योर बॉडी ऑल्सो. एंड आप मोटिवेटेड रहोगे, योर बॉडी विल गिव अ पुश, अ किक स्टार्ट टूवर्ड्स द डे. तो इवन आई डू दैट, मैं भी मॉर्निंग में ही वर्कआउट करता हूँ. आई गो टू द जिम 6:30 अप्रॉक्सीमेट, ये टाइम पर मैं जिम जाता हूँ एंड मैं कुछ खाता नहीं हूँ. आई जस्ट ड्रिंक वन ग्लास ऑफ लेमन वाटर एंड वन बॉटल पानी लेकर जाता हूँ जिम में, एंड आई डू नॉट ईट एनीथिंग बिफोर गोइंग टू द जिम. तो आप भी वही कर सकते हो. ट्राई टू कीप एटलीस्ट 30-40 मिनट्स इन द मॉर्निंग फॉर योर वर्कआउट. इसका एक प्लस पॉइंट, लाइक दो प्लस पॉइंट है. फर्स्ट है, यू वुड बी बर्निंग मोर फैट बिकॉज योर बॉडी इज एम्प्टी एंड इट वुड टैप इन टू स्टोर फैट विद इन योर बॉडी टू गिव द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू डू द वर्कआउट और टू डू HIIT. दिस वॉज वन बेनिफिट. दूसरा बेनिफिट क्या है इसका पता है? इफ यू आर डूइंग दिस, आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा सुबह. शाम को ना कोई भी इवेंट्स आ सकते हैं, पीपल कैन कम टू योर हाउस, एनीवन कैन विजिट, फ्रेंड्स आ सकते हैं. सो यू माइट टेंड टू मिस योर वर्कआउट्स इफ यू आर डूइंग इट इन द इवनिंग. सो अगर आप ये सुबह कर सकते हो, इट इज वेरी नाइस, इट विल गिव यू अ किक स्टार्ट. अगर आप रॉक को देखोगे, रॉक का एग्जांपल पता है मुझे, लाइक दीज पीपल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ही इज अ स्टार फुटबॉलर, बट मैं इनके साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बट दे डू देयर वर्कआउट्स इन द मॉर्निंग. फर्स्ट पॉइंट, वो फैट बर्न करने में हेल्प करता है. सेकंड पॉइंट है, आपका वर्कआउट एक बार खत्म हो जाएगा ना, यू डन विद इट, राइट? मतलब शाम को ऐसे नहीं लगेगा मैं टायर्ड हो गया हूं, क्या मैं जिम जाऊं अभी, तो ऐसे नहीं होगा आपके साथ. सो टिप नंबर 2 इज प्लेस योर वर्कआउट्स इन द मॉर्निंग. तो दो टिप हो गए, अभी चलिए चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ. एंड टिप नंबर 3 है टू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग. तो मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं. इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ वेरी गुड डाइट, बट इसमें कोई कोई लोगों को ना प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है. सो पीपल हु आर फेसिंग सच काइंड ऑफ इशूज विद एसिडिटी, यू इफ यू वॉन्ट टू डू दिस डाइट, यू कैन डू इट. अगर आपको नहीं करना है, दैट्स कंप्लीटली योर कॉल. एंड सेकेंड थिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट अ डाइट, मतलब ये कीटो डाइट जैसे कुछ खाने का पैटर्न नहीं, इट्स जस्ट अ टाइम रेस्ट्रिक्टेड डाइट. उसमें क्या होता है, लाइक 16 आवर्स आप फास्ट करते हो एंड 8 आवर्स के विंडो में खाते हो. बहुत सिंपल है, ऐसे नहीं कि आपको ये फूड्स खाना है, वो फूड्स खाना है, ऐसे कुछ नहीं है. इट इज वेरी सिंपल, ईट विद इन 8 आवर विंडो एंड डू नॉट ईट विद इन 16 आवर विंडो, एज सिंपल एज दैट. एंड फॉर वुमेन, मैंने थोड़ा रिसर्च किया था, फॉर वुमेन इट इज़ नॉट आइडियल, इंटरमिटेंट फास्टिंग आइडियल नहीं होता है. मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सो दैट आई कैन शेयर मोर इन्फॉर्मेशन देयर, क्योंकि मैंने देखा है उनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं व्हेन दे फास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो पीपल हु आर ओके विद इंटरमिटेंट फास्टिंग, दोज हु वॉन्ट टू गिव अ ट्राई, डू चेक आउट माई वीडियोज, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कीजिए वीडियोज, बहुत अच्छा होता है. आई यूज टू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मैं मिस करता था एंड आई यूज टू बी फोकस्ड, ऐसे नहीं लगता था अब मुझे खाना है, अब मुझे खाना है, बट मैं फोकस लगता था काम पर मुझे. सो दैट वॉज द बेनिफिट. इफ यू वॉन्ट टू ट्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग, मेक श्योर यू ट्राई एंड आई वुड रेकमेंड इट, डू ट्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग. एंड दिस वॉज पॉइंट नंबर 3. क्विक रिकैप, पॉइंट नंबर 1 वॉज HIIT, स्कीपिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, डांस कीजिए, जुम्बा कीजिए. पॉइंट नंबर 2 था ये जो डांस और जुम्बा है ना, आप सुबह के टाइम पर रख लीजिए ताकि आप शाम को फ्री रहोगे एंड आपका वर्कआउट भी कंप्लीट हो जाएगा. पॉइंट नंबर 3, इंटरमिटेंट फास्टिंग. तो गाइस चलिए चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ. 3 टिप हो चुके हैं एंड 4th टिप है टू इंक्लूड हेल्दी फूड्स इन योर डाइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना गाइस, अगर हम हेल्दी नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा यार? किसी भी झाड़ को भी, लाइक इफ यू डू नॉट पुट गुड मैन्योर, वो झाड़ अच्छा नहीं आएगा ना, मतलब इट वुड फेस सम इश्यूज. तो हमारा भी ऐसा ही है, एटलीस्ट फॉर 5-6 डेज अच्छा डाइट रखिए थोड़ा, which includes your दाल, राइस, brown bread, eggs, chicken. अगर आपको वेट लॉस करना है ना, वेट लॉस का मेन फंडा यही होता है टू इंक्लूड मोर प्रोटीन रिच फूड इन योर डाइट एंड कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है ना आपको धीरे धीरे करके कम करना है. तो अगर आप प्रोटीन रिच फूड इंक्लूड करोगे तो वो अच्छा होगा. Now which foods are high in protein? Foods such as your eggs. Eggs are very high in protein. Then you have your chicken breast, then you have your fish. Some people might not love fish. बहुत जने जिनको fish खाने को पसंद ही नहीं है, मैं भी था उनमें से एक, but अब मैं खाता हूँ, अब घर से दूर हूँ तो अब खाना पड़ता है.
तो फिश है, सोया है, सोया पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, मेक श्योर यू ऑल्सो चेक दैट. सोया इज ऑल्सो हाई इन प्रोटीन एंड अ चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन कंपेयर टू फिश एंड चिकन. सो मेक श्योर यू कंज्यूम दिस. एंड और क्या आता है प्रोटीन में, प्रोटीन स्कूप आप अफोर्ड कर सकते हो तो वेल एंड गुड. देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु फील प्रोटीन इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी. आई हैव बीन कंज्यूमिंग प्रोटीन फॉर पास्ट, जब से मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ उसके पहले से मैं कंज्यूम ही कर रहा हूँ प्रोटीन. प्रोटीन इज वेरी गुड, प्रोटीन इज मेड फ्रॉम मिल्क, कोई गंदा प्रोडक्ट नहीं है, इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मिल्क एंड यू कैन कंज्यूम इट. मैं भी कंज्यूम करता हूँ, मेरा भाई भी कंज्यूम करता है एंड अ लॉट ऑफ फिटनेस पीपल डू कंज्यूम प्रोटीन. एंड प्रोटीन का मेन फंडा यही होता है कि हमें ना फूड से ना इतना प्रोटीन नहीं मिल पाता एंड दैट डज नॉट कंप्लीट द प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी. इन ऑर्डर टू कंप्लीट जो बचा वाला प्रोटीन है ना वो हमें इजीली मिल जाता है इस स्कूप से. एंड एक स्कूप में होता है अक्रॉस 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड आई हैव बीन कंज्यूमिंग प्रोटीन. यू कैन कीप माय वर्ड, आप कोई अच्छे फार्मेसी में जाके आप खरीद सकते हो. दुबई में फार्मेसीज में मिलते हैं प्रोटीन. इसका मतलब जो चीज़ फार्मेसी में बिकती है वो अप्रूव होके आती है, वो टेस्ट होके आती है. सो आप कंज्यूम कर सकते हैं प्रोटीन, थोड़ा आप रिसर्च कीजिए. अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए उस पर तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा. सो टिप नंबर 4 मेरा यही था टू कीप हेल्दी फूड्स इन योर डाइट. अगर आप प्रोटीन हाई रख सकते हो देन दैट इज वेरी गुड. आई विल गिव यू क्विक एग्जाम्पल अबाउट वॉट डाइट आई कीप. तो मैं सुबह जिम जाता हूँ, जिम से आके मैं ओट्स खाता हूँ. ओट्स में 2 या 3 टेबल स्पून ओट्स डालता हूँ, स्पून डालता हूँ, उसे मैं गर्म करता हूँ. उसमें मैं 2 स्कूप्स वे प्रोटीन डालता हूँ. आई कंज्यूम 2 स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन. आप एक भी कंज्यूम कर सकते हो. एंड उसके साथ मैं एक एप्पल कट करता हूँ, एप्पल डालता हूँ, एक पोमेग्रेनेट डालता हूँ, अगर एवोकाडो रहेगा घर पे तो वो डालता हूँ, और ड्राई फ्रूट्स डालता हूँ थोड़े, विच इंक्लूड्स योर खजूर, खजूर मतलब डेट्स डालता हूँ, थोड़े बादाम, पिस्ता, जो ये बेसिकली हम लोग हर हफ्ते में और मेरा भाई लेके आते हैं जाके, तो ये इंक्लूड करता हूँ इसमें. और थोड़े देर ना इसे मैं फ्रिज में रखता हूँ सिनेमन डाल के. सो ये पूरा फ्रूट सैलेड लगता है. अगर आपने ये ट्राई नहीं किया है ना अभी तक, मेक श्योर यू ट्राई इट. मैं रोज खाता हूँ, एक महीने में कभी कभी बोर हो जाता हूँ तो मैं इडली जाके खा लेता हूँ. बट आप ये कंज्यूम कर सकते हो, दिस इज वेरी इजी एंड वेरी हेल्दी ऑल्सो. सो सुबह मैं ये खाता हूँ एंड देन आफ्टरनून में मैं 3 अंडे की भुर्जी बना लेता हूँ, 3 अंडे की भुर्जी, विच इंक्लूड्स 2 एग येलोस, 2 फुल एग्स एंड 1 एग वाइट. तो इसका मैं भुर्जी बनाता हूँ और 3 ब्राउन ब्रेड के साथ ये खाता हूँ. और चिकन ब्रेस्ट होता है, चिकन ब्रेस्ट में मैं तंदूरी मसाला डालता हूँ, थोड़ा दही डाल के मैरिनेट करता हूँ इसे और ये खाता हूँ. थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के, ज़्यादा भर भर के नहीं डालता हूँ ऑलिव ऑयल, बहुत थोड़ा सा. तो ये मेरा आफ्टरनून का मील होता है, राइस में इंक्लूड नहीं करता हूँ. एंड इवनिंग में भी मैं सेम ही खाता हूँ, मतलब भुर्जी बनाता हूँ, 2 या 3 ब्राउन ब्रेड होते हैं एंड चिकन होता है. अब मैं बहुत बिजी होता हूँ सो मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता एंड मुझे बोर भी हो जाता है खाना वाना बनाने में, इतना राइस वाइस बनाने में. सो आई फील दिस इज़ वेरी इजी, भुर्जी बन जाता है, मुझे प्रोटीन भी मिल जाता है एंड कभी कभी मैं सोया भी खा लेता हूँ. सो यू गाइज कैन ट्वीक इट. अगर आपके घर पर कोई कुक है, इफ़ यू हैव टाइम टू कुक, आप थोड़ा राइस कर सकते हो, बना सकते हो, थोड़ा दाल बना सकते हो, वेजिटेबल्स बना सकते हो एंड बहुत टेस्टी भी लगता है खाने में, अच्छा लगता है. और वीकेंड्स पे आप चीट कर सकते हो, विच माइट इंक्लूड योर पिज्जाज, बर्गर्स, ये आप खा सकते हो. एक ही लाइफ है, एंजॉय करना चाहिए. ये ऊपर के 3 पॉइंट्स आप फॉलो करोगे ना, दैट इज डूइंग HIIT, कीपिंग योर वर्कआउट्स इन द मॉर्निंग, ईटिंग हेल्दी, ये सब ट्रैक पर रहेगा ना तो वीकेंड पे आप थोड़ा चीट कर ही सकते हो. एक लाइफ है, थोड़ा मजा तो करना ही चाहिए ना हमें. मैं भी करता हूँ एंड पहले मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट रखता था, मतलब नहीं भाई मैं तो चीट करूंगा ही नहीं. मेरा भाई भी मुझे चिक्की देता था, मैं वो भी नहीं खाता था. बट स्लोली एंड स्टडीली आई लर्न कि खाना इंपॉर्टेंट है. तब मैं इतना खुश नहीं रहता, बट अब मैं खाता हूँ ना तो मजा आता है. सो आप भी वही कीजिए, ऊपर के 3 पॉइंट्स फॉलो कीजिए, अच्छा डाइट रखिए एंड देन वीकेंड्स पे चीट कीजिए, नाचिए, थोड़ा मजा कीजिए और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए लाइफ का, बोर मत होइए ज़्यादा. तो गाइज ये थे 4 टिप्स, मेक श्योर यू फॉलो दीज. एंड एक लास्ट टिप है, टिप नंबर 5 इज टू इंक्लूड अ लॉट ऑफ वाटर इन योर डे टू डे, मतलब डे के रूटीन में ट्राई टू इंक्लूड अ लॉट ऑफ वाटर. मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये पानी ना मैं ये पीता हूँ, मैं लाइक दिस इज 2 लीटर का गैलन, 2 लीटर का बॉटल एंड ये मैं पीता हूँ. इसके 2 बॉटल में डेली कंज्यूम कर ही लेता हूँ, विच इज अप्रॉक्सीमेट 4 लीटर्स. ओके, तो आप 3 लीटर तक पानी पी सकते हो एंड वाटर इज़ वेरी गुड यार, वाटर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपके बॉडी में.
आपकी हंगर भी मारता है वो, एंड पेट फुल रहता है आपके, एंड पेट फुल रहता है आपका. सो मेक श्योर यू कंज्यूम वाटर. आप ज़्यादा डिहाइड्रेटेड नहीं रहोगे, आपका स्किन बहुत अच्छा होगा, आप देखिए मेरे जैसे फेयर हो जाओगे. मतलब मैं इतना भी कुछ फेयर नहीं हूँ, बट इससे कुछ फेयरवेड नहीं होते, बट वाटर इज गुड. सो मेक श्योर यू इंक्लूड वाटर ऑल्सो. ये टिप नंबर 5 था. अगर आपको ग्रीन टी डालना है, ग्रीन टी भी आप कंज्यूम कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है इफ़ यू वॉन्ट टू कट फैट. ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी. हाँ, एक पॉइंट में बताना भूल गया आपको, जब भी आप वर्कआउट के लिए जाओगे ना सुबह, मेक श्योर यू कंज्यूम ब्लैक कॉफी, क्योंकि ब्लैक कॉफी के अंदर कैफीन होता है, एंड ये जो कैफीन ना आपको बूस्ट देगा. हाँ, ये जो देखा ना आपने, यही बूस्ट देता है कैफीन. सो मेक श्योर यू ऑल्सो इंक्लूड कैफीन, आपके वर्कआउट्स बूस्टेड रहेंगे. आप ऐसे अरे यार जिम जाना है, ऐसे नहीं जाओगे आप. सो मेक श्योर यू इंक्लूड कैफीन. सो दीज वर ऑल द पॉइंट्स फॉर ऑल द वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड पीपल हु आर ऑल्सो स्टडिंग. ओके, इनके लिए पॉइंट्स है. अब मैंने इसमें वेट ट्रेनिंग इंक्लूड नहीं किया है, बट इफ़ यू लव टू गो टू द जिम, थोड़े वेट्स उठाने को आपको अच्छा लगता है, मेक श्योर यू ऑल्सो इंक्लूड दैट. मैंने ज़्यादा कुछ हाई फंडू पॉइंट्स नहीं बताए. आई हैवेंट बीन टॉकिंग अबाउट कैलोरीज, कैलोरी ट्रैकिंग करना है. अब बहुत लोगों को नहीं पता है, कोई को लोगों को पता है, आई नो दैट, बट सम पीपल डू नॉट नो अबाउट कैलोरीज. सो दीज वर द ईजी पॉइंट्स, बहुत सिंपल पॉइंट्स है कि आप ये इंक्लूड कीजिए आपके डे टू डे लाइफ में, एंड आप चेंज हो जाओगे. लाइक यू वुड लव, जैसे आप वर्कआउट से आओगे ना, आप नहाओगे, आपका ब्रेकफास्ट करोगे, अच्छा लगेगा आपको. सो मेक श्योर यू इंक्लूड दीज पॉइंट्स, एंड लेट मी नो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, मेक श्योर यू रीच आउट टू मी. आई रियली लव टॉकिंग टू पीपल. आप मुझे इंस्टाग्राम में पिंग कर सकते हो, आई वुड सजेस्ट इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, आप फेसबुक पे फॉलो कीजिए, एंड वहाँ पर डीएम कीजिए मुझे. लाइक वहाँ पर चैट करना ईजी होता है कंपेयर टू यूट्यूब कॉमेंट्स. हाँ, यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हो आप, आई विल रिप्लाई टू योर कॉमेंट, बट इंस्टाग्राम पर कैसे है ना, अरे फट से नजर जाती है उधर. तो इंस्टाग्राम पर रीच आउट कीजिए मुझे, फेसबुक पर रीच आउट कीजिए. आई रियली लव टॉकिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. एंड मैं आपको सच्ची बताऊँ, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने इसी वीडियो का एक और शूट लिया था, बट उधर प्रॉब्लम क्या हुआ था पता है, ये जो माइक है ना, माइक इसका बैटरी खत्म हो गया था. उस पर मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बट मुझे लगता है ये वीडियो में मैंने थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. सो वो डबल काम हो गया, एंड मेरे घर का शिफ्टिंग चल रहा है. सो करेंटली वी आर इन अ होटल अपार्टमेंट राइट नाउ. हम लोग ने एक और घर लिया है, एंड वी हैव बॉट ऑल द फर्नीचर्स, सब लेके आए हम. उसका मैं पता नहीं, वीडियो चाहिए क्या आपको? अगर आपको वीडियो चाहिए रहेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दीजिए मुझे, आई विल मेक दैट वीडियो फॉर यू गाइज. एंड I am done for this video. I really loved talking to each and every one of you. I will और एक और बात बतानी थी मुझे आपको. I have achieved my targets for this quarter. तो मुझे incentives मिलने वाले हैं इस quarter के. So ये बात बताने, ये point share करना था मुझे आप लोगों से. नया quarter चालू हो गया है, it's a sales quarter. I am into cloud sales. मैं Google के products बेचता हूँ. Google मेरी dream company है. So Google is one of the products that I sell. I also sell Office 365. Freshworks, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. एंड ये मुझे क्यों पसंद है पता है क्या? आई लाइक टॉकिंग टू पीपल. तो मैं जाता हूँ मीटिंग्स के लिए, ड्राइव, आई मीट देम, आई मीट द CEO, CFOs, उनसे मिलता हूँ. बहुत अच्छा लगता है मुझे उनसे बात करने के लिए. सो दैट इज द रीजन वाई आई डू दिस. एंड ये वीडियो बनाने के बाद मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, दैट इज फॉर पीपल हु आर लुकिंग आउट फॉर जॉब्स. इफ इन केस यू वर्किंग प्रोफेशनल्स, मुझे ना बहुत मेहनत लगी थी टू गेट अ जॉब. इफ इन केस यू वर्किंग प्रोफेशनल्स हैव एनीवन इन योर विसिनिटी, कोई भी दोस्त है आपका हु इज लुकिंग आउट फॉर अ जॉब, तो ये इसके बाद वाला वीडियो ना मेक श्योर यू शेयर इट विद देम, एंड इट वुड हेल्प देम टू गेट जॉब्स. मैंने देखा है, मैंने उसके पहले वाले वीडियो में इतने कॉमेंट्स आए थे ना गाइज, मैं आपको बता नहीं सकता, 35-40-50 कॉमेंट्स आए, एंड उसको इतने सारे व्यूज आए हैं. एंड आई हैव सीन पीपल हु आर स्ट्रगलिंग फॉर जॉब्स. मैंने खुद स्ट्रगल किया था, मेरे बहुत सारे दोस्त लोगों ने स्ट्रगल किया था जॉब के लिए. सो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट आने वाला है. एंड आई विल टॉक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, much love, God bless you all, and do what you want, it is your life, make sure you enjoy it, and then bye.